हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि बाइनरी सर्च क्या है और आप पाइथन में बाइनरी सर्च को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाइनरी सर्च इज अ सर्च टेक्निक दैट वर्क्स ऑन द शॉर्टेस्ट लिस्ट टू क्विकली सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। बाइनरी सर्च एक सर्च टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है किसी भी शॉर्टेस्ट लिस्ट या किसी भी शॉर्टेस्ट सिक्वेंस से एलिमेंट को सर्च करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट वर्ड यूज हुआ है। तो शॉर्टेस्ट लिस्ट या शॉर्टेस्ट सिक्वेंस कौन सा होता है जिसके एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, राइट? तो बाइनरी सर्च एक ऐसी सर्च टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है एलिमेंट को सर्च करने के लिए, फ्रॉम सिक्वेंस, फ्रॉम लिस्ट, फ्रॉम एरेस, ओके? बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी आप सिक्वेंस ले रहे हो, लिस्ट ले रहे हो, एरेस ले रहे हो, वो क्या होना चाहिए? शॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, एक अरेंज्ड ऑर्डर में होना चाहिए, राइट? फॉर न्यूमरिक वैल्यूज द एलिमेंट इन द लिस्ट मे बी अरेंज्ड आइदर इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप न्यूमरिक वैल्यूज ले रहे हो, मान लो लिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप लिस्ट में न्यूमरिक वैल्यूज ले रहे हो तो वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए उसकी वैल्यूज, राइट? लिस्ट की वैल्यूज, ओके? फॉर टेक्सचुअल डेटा इट मे बी अरेंज इन अल्फाबेटिकली स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जी और फ्रॉम जी टू ए। और अगर आप टेक्सचुअल डेटा ले रहे हो तो ओके, इन अ लिस्ट, ओके, इन अ लिस्ट और इन एनी सिक्वेंस, तो वो भी अरेंज होना चाहिए अल्फाबेटिकली, या तो वो ए टू जी फॉर्म में अरेंज हो या जी टू ए फॉर्म में अरेंज हो, राइट? ओके, इन बाइनरी सर्च द एलिमेंट टू बी सर्च, लेट्स कॉल इट की, इज कंपेयर्ड विद द एलिमेंट इन द मिडल ऑफ द शॉर्टेस्ट लिस्ट। तो बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, जिस एलिमेंट को आप ढूंढ रहे हो उसका हम मान लो नाम रख लेते हैं की, ओके, उसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है, उसको लिस्ट के मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। दिस कुड रिजल्ट इन आइदर ऑफ द थ्री पॉसिबिलिटीज, राइट? और जब कंपेयर किया जाता है तो इसके अंदर तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ली है, ठीक है, ये मेरी लिस्ट है, यहाँ पे मैंने एक इस लिस्ट का एलिमेंट ले लिया 10, एक ले लिया 20, ओके, एक आपका हो गया 30, एक हो गया आपका 40 एंड एक आपका हो गया 50, राइट? अब इनकी इंडेक्स वैल्यूज क्या होंगी, इसकी 10 की इंडेक्स है 0, 20 का 1, 30 का आपका हो गया 2, 40 का आपका हो गया 3 एंड 50 का आपका हो गया 4, राइट? अब सबसे पहले हम जो भी एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे की बोल रहे हैं, राइट, उसको किससे आप कंपेयर करोगे, मिडल ऑफ द शॉर्टेड लिस्ट। अब आपको इस शॉर्टेड लिस्ट का मिडल निकालना है, राइट? मिडल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आप स्टार्टिंग इंडेक्स लोगे प्लस आप एंडिंग इंडेक्स लोगे, राइट? एंड इसको हम फ्लोर डिवीज़न यहाँ करेंगे, फ्लोर डिवीज़न डिवाइडेड बाय 2, राइट? फ्लोर डिवीज़न क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर देखो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी तो इंडेक्स की तो फ्रैक्शनल वैल्यू होती नहीं है, डेसिमल वैल्यू होती नहीं है, इसलिए फ्लोर डिवीज़न में क्या होता है, आपका रिजल्ट हमेशा इंटीजर आता है, राइट? तो 4 डिवाइडेड बाय 2 आपका 2 आ गया। तो इस जो लिस्ट की जो मिडल एलिमेंट है वो कौन सा हो गया, वो 30 हो गया। मान लो हमें यहाँ पे 20 सर्च कर रहे थे, आप लोग 20 सर्च कर रहे थे, तो यहाँ पे मिडल एलिमेंट है 30, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 20 को 30 के साथ कंपेयर किया जाएगा, क्या 20 जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो मिडल एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है, राइट? तो देखो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, द एलिमेंट एट द मिडल पोजिशन इट सेल्फ मैचेज द की। या तो जो मिडल आया है, जो मिड आपका एलिमेंट आया है, वो जो भी एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो उससे मैच कर जाए, मतलब वो वही एलिमेंट हो। इन दैट केस वी डिक्लेयर द सर्च सक्सेसफुल एंड द सर्चिंग प्रोसेस एंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी सर्च सक्सेसफुल हो चुकी है और सर्चिंग प्रोसेस आपका एंड हो जाएगा, राइट? अब बाकी की 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, हमारा जो फर्स्ट था उसमें क्या हुआ, जो आपका मिडल एलिमेंट था उसके साथ आपका मान लो मैच हो गया, राइट? तो आपकी सर्च सक्सेसफुल हो गई, ये हमारी लिस्ट थी, राइट? इसको एक बार फिर से बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारी लिस्ट है और ये आपकी कंप्लीट लिस्ट आ गई, ठीक है, ये हमारी लिस्ट थी, ओके। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ और हैं, क्या है, द एलिमेंट एट द मिडल पोजीशन इज़ ग्रेटर देन द की क्या है, वो एलिमेंट जिसको हम सर्च कर रहे हैं, तो मिडल पोजीशन क्या होगा, मिडल पोजीशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिडल पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो की से ग्रेटर है, राइट? वो की से ग्रेटर है। अब की से ग्रेटर है, की से बड़ा है, तो यहाँ मतलब कि जो मिडल पोजीशन है, मिडल पोजीशन पे जो एलिमेंट है उससे पहले वो आ जाएगा एलिमेंट। इट मींस दैट इफ़ द की इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट, अगर की लिस्ट में प्रेजेंट है, की से कंफ्यूज मत होना, की वो एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं,
इट मस्ट श्योरली बीन द फर्स्ट हाफ, इसका मतलब हमें अब ये पता चल चुका है कि जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो फर्स्ट हाफ में है. वी कैन दस स्टेट अवे इग्नोर द सेकेंड हाफ ऑफ द लिस्ट एंड रिपीट द सर्चिंग प्रोसेस ओनली इन द फर्स्ट हाफ. तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो सेकेंड हाफ है उसको इग्नोर कर देंगे और अपना सर्चिंग प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हाफ में. ठीक है, ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी होगी. अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, द एलिमेंट एट द मिडल पोजीशन इज स्मॉलर देन द की. जो एलिमेंट है मिडल पोजीशन पे वो की से छोटा है, वो की से छोटा है तो इसका मतलब वो जो आपका एलिमेंट है जिसको आप ढूंढ रहे हो वो होगा सेकंड हाफ में, 40 या 50 में से होगा. ठीक है, जिसको आप ढूंढ रहे हो, ये थर्ड पॉसिबिलिटी है. इट मीन्स इफ द की इज प्रेजेंट इन द लिस्ट इट मस्ट बी इन द सेकंड हाफ, राइट. तो जो आप एलिमेंट ढूंढ रहे हो वो कहाँ पे होना चाहिए, वो सेकेंड हाफ में होना चाहिए. वी कैन दस स्टेट अवे इग्नोर द फर्स्ट हाफ. इस केस में क्या होगा, जो आपका फर्स्ट हाफ था उसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे उस, राइट. और आप कहाँ पे सर्चिंग करोगे, आप सेकेंड हाफ में सर्चिंग करोगे क्योंकि आपका एलिमेंट मिडल एलिमेंट से बड़ा है. ओके, एंड रिपीट द सर्चिंग प्रोसेस अंटिल ओनली इन द सेकेंड हाफ, राइट. तो ये समझ में आ गया, अगर मिडल पोजिशन से मैच हो जाता है जिस भी की को, जिस भी एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हो, तो आपका वहाँ पे सर्च सक्सेसफुल हो गया. फिर आप देखोगे वो जो एलिमेंट जिसको आप सर्च कर रहे हो क्या वो मिड वाले एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है, राइट. छोटा है तो फर्स्ट हाफ में आप सर्चिंग करोगे और बड़ा है तो आप सेकेंड हाफ में सर्चिंग करोगे. ओके, दिस स्प्लिटिंग एंड रिडक्शन इन लिस्ट साइज कंटिन्यूड टिल द की इज आइदर फाउंड और इट इज डिक्लेयर डेट द सर्च इज अनसक्सेसफुल. ये स्प्लिटिंग ये और रिडक्शन जो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लिस्ट को हाफ ऑफ करते जा रहे हो, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक की क्या है, वो एलिमेंट जो आप ढूंढ रहे हो, जब तक की आपको मिल नहीं जाती, मतलब की वाली वैल्यू आपको मिल नहीं जाती और इट इज डिक्लेयर डेट द सर्च इज अनसक्सेसफुल एज की इज नॉट इन द लिस्ट, या फिर ये डिक्लेयर नहीं हो जाता कि वो पर्टिकुलर वैल्यू, वो पर्टिकुलर की लिस्ट में है ही नहीं, राइट. ओके, अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है, राइट. उसमें यहाँ पे लिस्ट है या फिर आप कह लो एरे है, एरे के एलिमेंट्स हैं ये. ओके, और ये एरे के इंडेक्स वैल्यू है. तो बिगनिंग आपका बिगनिंग एलिमेंट 1 है और बिगनिंग इंडेक्स आपका 0 है, राइट. एंडिंग वैल्यू आपकी 90 है. ओके, अब आपको मिडल ऑफ द लिस्ट आपको निकालना है. ओके, मिडल पोजीशन निकालनी है. तो आप कैसे करोगे, बिगनिंग आपका 0 है, एंडिंग पोजीशन आपकी 9 है, तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, बिगनिंग प्लस एंडिंग फ्लोर डिवीजन बाय 2, राइट. तो यहाँ पे देखो 4, ये आपका 11 क्या निकल के आ गया, मिड, राइट. या तो आप जो भी एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो तो वो किसके इक्वल होगा, 11 के इक्वल होगा मान लो, तो आपका यहाँ पे सर्च हो जाएगा सक्सेसफुल. और अगर वो 11 से छोटा है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट हाफ में सर्चिंग करोगे. फर्स्ट हाफ में सर्चिंग करोगे तो अब बिगनिंग क्या है आपकी 0 और एंडिंग क्या है आपका मिड माइनस 1, ठीक है. 4-1 ही होगा ना, 4-1 तो आपका 3 इंडेक्स आ गया, ठीक है. यही आपका क्या होगा, एंडिंग होगी, फाइन. और अगर आप सेकेंड हाफ में सर्चिंग कर रहे हो, जो भी एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो वो मिड एलिमेंट से बड़ा है, सेकेंड हाफ में आप सर्चिंग कर रहे हो, तो अब यहाँ पे बिगनिंग क्या हो जाएगी, मिड प्लस 1, ठीक है. 4+1 दैट इज 5. ओके, बिगनिंग आपका क्या हो जाएगा 5, मिड प्लस 1 और एंडिंग आपका क्या हो जाएगा, सेम जो पहले थी. ओके, 9, दैट इज 9. ओके, अब देखो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझेंगे. ओके, सपोज इन एरे कंसिस्ट ऑफ 10 शॉर्टेड इंटीजर्स एंड 57 इज द एलिमेंट डेट इज टू बी सर्च फ्रॉम दिस एरे. हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं. ओके, और आपको जो की फाइंड आउट करनी है, जो एलिमेंट सर्च करना है वो है 57, राइट. ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट हमारा एरे है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे. तो बिगनिंग जो इंडेक्स है आपका 0 है, एंडिंग आपका 9 है. आपने क्या क्या किया यहाँ पे, बिगनिंग प्लस एंडिंग फ्लोर डिविजन किया यहाँ पे. ओके, तो आपका मिड निकल के आ गया 4. 4 इंडेक्स पे आपकी वैल्यू है 11, राइट. अब हम क्या देखेंगे, द एलिमेंट टू बी सर्च दैट इज 57 इज कंपेयर्ड विद द एलिमेंट एट द मिडल पोजीशन. अब इसको मिडल पोजीशन वाले एलिमेंट से कंपेयर किया जाएगा. इज 57, ओके, डबल इक्वल्स टू किसका साइन होता है, कंपेरिजन का. ओके, इज 57 इक्वल्स टू 11, नो, राइट. ये पता चल गया मिड से ये मैच नहीं कर रहा है. सिंस 57 इज ग्रेटर देन 11 द सर्चिंग इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द सेकेंड हाफ ऑफ द एरे. फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो आपका 57 है वो मिड वाला जो एलिमेंट है 11 उससे बड़ा है या छोटा है. तो हमें क्या पता चल गया, 57 आपका 11 से बड़ा है.
11 से बड़ा है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट हाफ को कम्प्लीटली इग्नोर कर दोगे, आप सर्चिंग कहाँ करोगे, सेकेंड हाफ में करोगे। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, आपको पता चल गया आपका सर्चिंग का होना है सेकेंड हाफ में होना है, राइट। अब इस सेकेंड हाफ में हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका अब बिगनिंग क्या है आपका, फाइव, इंडेक्स फाइव है, मिड प्लस वन, ओके, मिड आपका फोर था, यहाँ पे ये फाइव आपका क्या है, बिगनिंग, राइट। एंडिंग इंडेक्स क्या है आपका, नाइन, राइट। तो फाइव प्लस नाइन, ओके, डिवाइडेड बाई टू, तो आपका निकल के आ गया सेवन। फ्लोर डिवीजन से आपका क्या है, सेवन आया यहाँ पे। तो अब आपका मिडल जो एलिमेंट है वो क्या है, 25 है। अब 57 को कंपेयर किया जाएगा 25 से, क्या 57 25 के इक्वल है, नो, 57 उसके इक्वल नहीं है, राइट। लेकिन 57 क्या है, 25 से बड़ा है। ओके, 57 25 से बड़ा है, तो अब क्या होगा, अगेन आपकी जो सर्चिंग है वो फर्स्ट हाफ में नहीं होगी, अब आपकी सर्चिंग होगी सेकेंड हाफ में, राइट, सेकेंड हाफ में सर्चिंग होगी। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, अब इसमें मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट में बिगनिंग इंडेक्स आपका क्या है, एट है, बिगनिंग इंडेक्स आपका एट है, ओके, मिड प्लस वन हो गया ना, और एंडिंग इंडेक्स आपका नाइन है, एट प्लस नाइन डिवाइडेड बाई टू, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, एट आ गया, एट आ गया। अब हम देखेंगे क्या 57 के इक्वल है, यस, यहाँ पे मिड पॉइंट में जो दिया हुआ इक्वल है, तो यहाँ पे वी डिक्लेयर द सर्च सक्सेसफुल एंड सर्चिंग प्रोसेस एंड्स हियर। तो यहाँ पे हमें आप क्या मिल चुका है, हमारा एलिमेंट मिल चुका है, ओके, और हमारी सर्चिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, ओके। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बाइनरी सर्च का इन पाइथन, बाइनरी सर्च टू सर्च एंड एलिमेंट फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से लिस्ट को एंटर करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया ईवेल। ईवेल क्या है, ईवेल फंक्शन होता है फॉर ईवेल्यूएशन, आप जो भी इनपुट दोगे इसके अंदर, अगर मान लो मैं लिस्ट की फॉर्म में डेटा एंटर कर रही हूँ, तो वो इनपुट डेटा को एज अ लिस्ट ईवेल्यूएट करेगा। आप टपल की फॉर्म में दे रहे हो इनपुट डेटा, तो वो उसको एज अ टपल ईवेल्यूएट करेगा, फाइन। तो इसलिए मैंने ईवेल फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम दे देते हैं एंटर लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, फाइन, ओके, आपने लिस्ट को एंटर करा दिया। अब हम क्या करेंगे, वो वैल्यू एंटर कराएंगे जिससे हम क्या करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं बाय बाइनरी सर्च। तो मैंने किया इंट इनपुट, ओके, एंटर एलिमेंट That is to be searched. वो एलिमेंट एंटर कर दो जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, राइट। और देखो यहाँ पे इन फंक्शन का क्यों यूज़ किया गया है, इनपुट क्या करता है, यूज़र से जो भी इनपुट लेता है वो टेक्स्ट फॉर्म में लेता है, ओके, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है, फाइन। अब आपने क्या किया, लिस्ट भी आपने एंटर करा दी यूज़र से और आपने एलिमेंट भी एंटर करा दिया। अब क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं ऊपर, फाइन, पहले मैं कॉल कर देती हूँ, मैं एक फंक्शन ऊपर क्रिएट करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे पहले कॉल करके बता रही हूँ उस फंक्शन में, क्योंकि मुझे क्या पास करना है, मुझे लिस्ट पास करनी है, ओके, और मुझे एलिमेंट पास करना है, फाइन। आपने क्या किया, एक बाइनरी सर्च नेम का फंक्शन है जिसमें आपने लिस्ट को पास किया है और उस एलिमेंट को पास किया है जो आप सर्च करना चाहते हो पर्टिकुलर लिस्ट में से, ठीक है। यहाँ पे देखो फंक्शन तो कॉल कर दिया पर मैंने फंक्शन बनाया नहीं है, तो आपको अब क्या करना है, फंक्शन बनाना है, फाइन, ओके। तो यहाँ पे हम लेंगे डेफ कीवर्ड बाइनरी सर्च, मेरे फंक्शन का नेम है बाइनरी सर्च, और क्या क्या पास किया था, मैंने लिस्ट को पास किया था, ओके, और एलिमेंट को, जिस एलिमेंट को सर्च करना है उसको पास किया था, फाइन, ओके। अब देखो हम बिगनिंग क्या रखेंगे, बिगनिंग इंडेक्स हमारा क्या है, ज़ीरो, फाइन, और जो एंडिंग इंडेक्स है वो हमारा क्या है,
लेंथ ऑफ लिस्ट माइनस वन, ठीक है। एंडिंग इंडेक्स लेंथ ऑफ लिस्ट माइनस वन क्यों है? मान लो आपकी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? फाइव एलिमेंट्स हैं, ओके। फाइव एलिमेंट्स हैं तो लेंथ क्या हुई? फाइव, ओके। बट एंडिंग इंडेक्स क्या होगा? फोर, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स कहाँ से चलेगा? आपके इंडेक्स क्या होंगे? जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर, राइट। तो एंडिंग इंडेक्स आपका फोर होगा, और लेकिन लेंथ ऑफ लिस्ट क्या है? आपकी फाइव है, तो यहाँ पे हमने इसलिए जो आपका एंड लिया है वो क्या लिया है? लेंथ ऑफ लिस्ट माइनस वन, तो आपका आ जाएगा फोर, ओके। अब हम यहाँ पे अपना लूप चलाएंगे, वाइल बिगनिंग इज स्मॉलर देन इक्वल टू एंड, जब तक कि आपकी बिगनिंग इंडेक्स है वो एंडिंग से या तो स्मॉलर है या फिर एंडिंग के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक आपका ये लूप चलता रहे, ठीक है, राइट। जब तक कि बिगनिंग एंडिंग तक नहीं पहुंच जाता, राइट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड इक्वल्स टू, मिड मैंने आपको अभी सिखाया कैसे निकालना है, बिगनिंग प्लस एंड, ओके। फ्लोर डिविजन आपको करना है टू, राइट। अब इसमें हमारी पॉसिबिलिटीज जो अभी हमने की थी वो करेंगे। इफ एलिमेंट, जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो क्या है? ग्रेटर है लिस्ट के मिड से, जो आपने मिड निकाला है, राइट। अगर एलिमेंट ग्रेटर है तो बिगनिंग क्या हो जाएगी? यहाँ पे कॉलन लगाओ, ठीक है। अगर ग्रेटर है तो क्या होगा? आप सेकेंड हाफ में करोगे सर्च, सेकेंड हाफ में सर्च करने पे क्या होगा? बिगनिंग आपकी क्या हो जाएगी? मिड प्लस वन हो जाएगी, मिड प्लस वन, बिगनिंग आपकी मिड प्लस वन हो जाएगी, फाइन। नेक्स्ट आपका क्या हो गया? एलिफ। अगर एलिमेंट क्या है आपका? स्मॉल है, ठीक है, लिस्ट के मिड से, ओके। तो इस केस में क्या होगा? आपका जो एंड है, एंड वो क्या हो जाएगा? मिड माइनस वन, राइट। ये अभी मैंने आपको करके दिखाया था, अब यहाँ पे एंडिंग क्या हो जाएगी? मिड माइनस वन, राइट। और अगर इन दोनों में से कोई भी केस नहीं है तो इसका मतलब आपका एलिमेंट मैच हो गया है मिड के साथ, रिटर्न मिड। अगर हम मिड रिटर्न कर रहे हैं कोई वैल्यू, तो उसको रिसीव करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे उसको हम रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट, ओके। क्योंकि रिटर्न ओके कहाँ पे आए, आपकी जो रिटर्न मिड है वो कहाँ पे आएगा, या जो भी आपका जो भी रिटर्न हो रहा है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फंक्शन कॉल का मतलब क्या होता है? इस पर्टिकुलर फंक्शन का रिजल्ट आपके फंक्शन कॉल के पास आता है, तो उसको मैंने स्टोर करा दिया रिजल्ट में स्टोर करा दिया, राइट, ओके। अगर मान लो यहाँ पे इन तीनों में से भी कोई भी कंडीशन नहीं है ट्रू, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी? रिटर्न माइनस वन। माइनस वन का मतलब आपको वो एलिमेंट नहीं मिला उस पर्टिकुलर लिस्ट में। आप रिटर्न फॉल्स भी कर सकते हो, रिटर्न माइनस वन या रिटर्न फॉल्स, जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो, राइट। अब इस फंक्शन का रिजल्ट कहाँ पे, इस फंक्शन का जो भी रिजल्ट होगा वो कॉल, आप जहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे हो, आप यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आएगा और वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा? रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा, फाइन। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे देती हूँ, इफ रिजल्ट डबल इक्वल्स टू माइनस वन, कंपेरिजन करें, अगर रिजल्ट क्या है? माइनस वन है, ओके, कॉलन लगाना भूल जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, आपका एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, राइट। एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, एल्स, और ऐसा अगर नहीं है तो फिर क्या प्रिंट हो? तो प्रिंट हो आपका एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स। अब ये याद रखना कि जो आपका बाइनरी सर्च है वो हमेशा जो भी आप एलिमेंट सर्च कर रहे हो उसका इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है, रिजल्ट मेरा यहाँ पे जो रिजल्ट
वेरिएबल है उसके अंदर क्या रिटर्न होके आएगा, जो आप एलिमेंट सर्च कर रहे हो उसका इंडेक्स, ओके तो यहाँ पे इंडेक्स आएगा मेरा, राइट ये कभी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये हमेशा इंडेक्स रिटर्न करता है रिजल्ट, फाइन ओके। अगर माइनस वन है इसका मतलब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो आपका यहाँ पे आप रिजल्ट को प्रिंट करा दोगे जो भी आपका इंडेक्स रिटर्न होके आया है, ठीक है। अब देखो मैं इसको सेव करती हूँ, सेव कर लिया हमने इसको, मान लो मैंने इसको लिख दिया सर्चिंग, सर्चिंग नेम दे दिया सेव, ओके सोनी फोल्डर में कर लेते हैं सेव, सर्चिंग हो गया F5 किया। अब हमें लिस्ट निकाल इसमें एंटर करनी है, शॉर्टेड लिस्ट मैंने 20, 30, 40, 50, 60 मान लो। अब ईवेल फंक्शन क्या करेगा, मैंने लिस्ट की फॉर्म में एंटर किया है, वो लिस्ट की फॉर्म में ही डेटा को इवेल्युएट करेगा, ठीक है। अब मैंने एंटर किया एलिमेंट, मुझे सर्च करना है मान लो 40 सर्च करना है, ओके तो आ गया एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 3। अब देखो 10 किस पे, 0 पे, 1, 2 एंड 3 इंडेक्स आ गया, इंडेक्स 3 राइट, ओके ओके। मैं मान लूँ इसको एक बार और यहाँ से इसको मैं करती हूँ, ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे लिस्ट एंटर करूँगी, मान लो मैंने 10, 20, 30, 40 ले लिया इस बार, और अब मैं यहाँ पे जो एलिमेंट सर्च करी वो इसके अंदर है ही नहीं, मैं 50 को सर्च कर रही हूँ, तो आपका क्या आ गया, एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, ओके फाइन। अब देखो आप माइनस वन का मतलब क्या होता है, माइनस वन का यहाँ पे मतलब है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसकी जगह आप कुछ और भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, फॉल्स लिख दिया मान लो फॉल्स, ठीक है रिटर्न फॉल्स, ओके और यहाँ पे मैंने कंपेयर करा दिया रिटर्न को किससे, फॉल्स से, फॉल्स से राइट, इसको सेव कर देंगे। अब अगर आप करते हो F5 करते हैं हम लोग, अभी मैंने सर्च किया 10, 20, 30, 40, 50 राइट, मुझे सर्च करना है मान लो 20 सर्च किया आ गया, इंडेक्स 1 पर है राइट। अब मैं इसको दोबारा से करती हूँ, देखो मैंने इसको दोबारा से किया F5 ओके और यहाँ पे अगेन मैं लिस्ट एंटर कर रही हूँ 30, 40 और मैंने क्या किया, मैंने कर दिया 50 राइट, तो आपका आ गया एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, ओके। इस बार आपने क्या लिया था, माइनस वन की जगह रिटर्न फॉल्स किया था, इस केस में भी क्या है, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कब किया आपने, फॉल्स को रिटर्न कब किया, जब वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, फाइन ओके। सो दिस इज योर बाइनरी सर्च, ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।